फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका राशन कार्ड कहीं गुम हो गया है या आपसे कहीं खो गया है, या फ्रेंड्स अभी राशन कार्ड सरेंडर को लेकर अगर आप अपने राशन कार्ड को गलती से अपने डीलर के पास जमा कर दिए हैं या अपने डीलर के पास सरेंडर कर दिए हैं, तो फ्रेंड्स आप दोबारा से आप अपने राशन कार्ड को किस तरह से डाउनलोड कीजिएगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपने राशन कार्ड को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ सर्च बार में आपको लिख लेना है NFSA। तो फ्रेंड्स यहाँ पे NFSA लिख लेने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक देखने के लिए मिल रहा है nfsa.gov.in, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको राइट साइड में जो 3 लाइन देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंड्स, ये 3 लाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है राशन कार्ड। तो फ्रेंड्स ये राशन कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। यहाँ पे जैसे ही टच कीजिएगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही टच कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको पहले आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो स्टेट है, जितने सारे स्टेट है सारे स्टेट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से आप जिस स्टेट का राशन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं आपको उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश का जो राशन कार्ड है उसको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो आपको दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके जैसे ही कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है जिले का नाम। तो आपका यहाँ जो जिला है, आप जिस जिले में रहते हैं, आपका जिस जिले में राशन कार्ड है उस जिले को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं एक जिले को सिलेक्ट करता हूँ। तो जिले को सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक टाउन और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। तो फ्रेंड्स अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, या आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका जो टाउन है उस टाउन को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ग्रामीण क्षेत्र वाले ऑप्शन को चूज करूंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्लॉक को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपका जो ग्राम पंचायत है, आप जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं फ्रेंड्स, वो ग्राम पंचायत आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे ग्राम पंचायत है सारे ग्राम पंचायतों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपका जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को आपको सिलेक्ट कर लेना है और उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर टच कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकानदार का नाम है, मतलब डीलर का जो नाम है, वो डीलर का नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है दुकानदार का नाम। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है, जो कि पात्र, गृहस्थी, अंत्योदय और योग्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगर पात्र गृहस्थी हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को आपको टच करना है, या आपका अंत्योदय कार्ड है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पात्र गृहस्थी का ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड दिख रहा है, ये राशन कार्ड वाले पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे टच कीजिएगा, आपका जो जितने राशन कार्ड धारक हैं सारे के लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे राशन कार्ड धारी हैं सारे के सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके आपका जो राशन कार्ड का नंबर है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जितने सारे राशन कार्डधारी हैं सारे राशन कार्डधारी के यहाँ पे नाम और उसका राशन कार्ड का जो नंबर है वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें नाम है तो आपको ये देख लेना है और उसके बाद जो राशन कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है वो नंबर पे आपको टच करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टच करते हैं। यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे आपके सामने आपका जो राशन कार्ड है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटाइज राशन कार्ड संख्या। तो यहाँ पे आपका राशन कार्ड का जो संख्या है वो यहाँ पे आपके देखने के लिए मिल जा रहा है। कार्ड का प्रकार देखने के लिए मिल जा रहा है। उसके बाद दुकानदार का नाम जो है वो आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। दुकान संख्या देखने के लिए मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने खोए हुए राशन कार्ड का नंबर या गुम हो गया है राशन कार्ड का नंबर को निकाल कर अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है और आप भी आसानी से अपना खोए हुए राशन कार्ड को दोबारा से डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।